एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं 9 बजे उठी हूँ। सुबह उठ के थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह किया है और अभी मम्मी किचन में है, कुछ खाना बना रहे, ब्रेकफास्ट वगैरह। और मेरे पास एक छोटू सा, क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा रैबिट। और सुबह उठ के इसको देख के मेरा दिन एकदम खुशी हो गया, एकदम दिन बन गया मेरा। आपको दिखाते हैं वो छोटू सा क्यूट सा रैबिट क्या कर रहा है अभी मेरे पास। ये देखिए, इसको आज नहाएंगे, नहला के धुला के इसको साफ़ सुथरा करेंगे, क्योंकि बस कल ही लाए थे, इसीलिए कल मतलब शाम के टाइम ये घर आया। तो कल रात हो चुका था, तो हम सोचा कि इसको ठंड वन लग जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं नहाया है। तो आज नहला के देंगे, इसको साफ़ सुथरा करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा धूप निकलने दो 12:30 बजे। और इसको दिखाते क्यूट सा क्या क्या खा रही है ये। ये देखो क्या कर रहा है छोटू सा बेबी, क्या कर रहा है ये, आराम से खा रही है अपना मस्त। इसको नहलाएंगे आज, अभी छोटा है ना, थोड़ा मतलब मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही लग रहा है ये, लेकिन जब थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को पहचान लगेगा। अभी तो ये नया है, इसीलिए हम लोगों को नहीं पहचान पा रही है। बस एक ही दिन हुआ है, कल ही आया है ये शाम को। बहुत क्यूट तरीके से खाना, ये इसको मैं बाहर लेके आ गई। देखो बाहर थोड़ा बहुत मतलब धूप भी निकल रहा है और थोड़ा बहुत अंधेरा करके भी रखा है, तो मैं सोचा कि पूरा दिन ये घर में रह के बोर हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको बाहर लेके आ गई। इसका आँख देखिए कितना सुंदर लाल लाल है। तो इसको मैं थोड़ी देर बाद नहलाऊँगी, अब इसको खाना खाने देते, फिर जब नहलाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। शैम्पू से इसको आज अच्छे तरीके से नहाएंगे, साफ सुथरा करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, भिंडी का फ्राई और चावल। आप लोग सोच रहे हो कि ब्रेकफास्ट में कौन चावल खाता है, एक्चुअली मैं कोई भी कैफीन वाला चीज़ जैसे कि चाय फिर कॉफ़ी वगैरह मैं नहीं पीती हूँ। और जो मिल्क है मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होता है, इसीलिए मैं ओट्स वगैरह या फिर जो कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स है वो भी नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि जो मिल्क है ना, ऐसे तो बाहर जो ओलिव का मिल्क है ये सब खा सकती हूँ, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्राइस, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। और जो काव का मिल्क है वो खाने से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं चावल थोड़ा सा और ऐसे कुछ सब्ज़ी वगैरह से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो चलो यहाँ देखिए, इसके लिए मैं बाहर बारंदा में आके खाना खा रही हूँ, नहीं तो जो बिल्ली लोग है बहुत ज़्यादा घूमता है बाहर, इसको एक झपटा उपटा मार के मार ही डालेगा, उन लोगों के आँखों में ये छोटा सा एक चूहे जैसा लगेगा ना तो मार देगा। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, अभी मैं वीडियो शूट करूँगी मोटिवेशन चैनल के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी, शूट नहीं कर पाई, तो इसीलिए आज मुझे शूट करना है। तो चलो मैं शूट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जस्ट मैं अभी वीडियो शूट करके आ गई और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पसीने से पूरा लुत्फुत हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जिस रूम पे वीडियो शूट करती हूँ उस पर अभी तक फ़ैन लगाया हुआ नहीं है, बाकी सारे रूम में फ़ैन है लेकिन जिस रूम पे मैं वीडियो शूट करती हूँ उसमें नहीं है। तो अभी समर का सीज़न आ गया, ठंड में तो चलो जैसे तैसे हो गया है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा गर्मी धीरे धीरे आ रहा है ना कि क्या बोले, पसीने से लुत हो चुकी हूँ और बहुत दिक्कत से मैंने वीडियो शूट किया है। और अभी मम्मी को बोला है कि उस रूम पे जल्दी फ़ैन लगाओ एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि नहीं तो वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। और लिपस्टिक वगैरह मैंने इसीलिए लगाई है क्योंकि मैं वीडियो शूट करने के टाइम तो लगाती हूँ, आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा। और यहाँ देखिए मेरा कुचुपू क्या कर रहा है, चुपचाप बैठी है, सो रही है। तो अभी इसको नहलाएंगे, आप देखते जाओ मैं इसे कैसे नहलाती हूँ। तो बाहर थोड़ा बहुत पानी धूप में दे दिया है कि थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, धूप में नेचुरली गर्म होने से इसका जो कुछ ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहाने लेके जा रही हूँ, आप देखते रहो मैं इसको कैसे नहलाती हूँ। ये देखिए पिच्छी मेरे हाथ पे है, अब इसको नहलाएंगे पिच्छी को, छोटू सा पिच्छी। ये देखिए छोटू सा पिच्छी, ये रहा शैम्पू, हम पानी में दे देते हैं। पानी तो दे दिया लेकिन अकेले अकेले इसे नहलाओ कैसे, वही सोच रही हूँ। अच्छा इसने पड़े तो चले गई,
यह देखिए हम इसको नहला दिया है और ये अभी साफ़ हो रही है अच्छे से, एकदम शैम्पू वैम्पू से इसको अच्छी तरीके से नहा लिया, लेकिन ये अभी पता नहीं क्या कर रही है, खेल रही है या चाट रही है, ये देखो क्या कर रही है ये। तो थोड़ा सा मैं धूप में इसको लेके आ गई हूँ नहला के, साफ़ सुथरा बना के, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। टोकरी को अलग से करके रख देती हूँ। नहीं तो ये भाग जाएगी, बहुत ज़्यादा नाचा नाची कर रही है ये, देखो ये क्या कर रही है। बहुत ज़्यादा धूप है तो इसको आराम ही होगा, आराम से सूख जाएगी, काफ़ी सूख भी गई है 20-30%, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है इसीलिए। तो अभी इसको खाना देंगे, थोड़ा सा पानी वगैरह और कुछ खाने को देंगे, सब्ज़ी वगैरह। देखिए यहाँ पे मैंने कितना सारा जो बैग है वो सिलाई करके रखा है, बहुत सारा बैग है यहाँ पे, तो ऊपर पत्थर वगैरह दे के रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है ये। और बहुत सारे यहाँ पे कपड़े भी है, सिलाई करना पड़ेगा। और मैं नहा के लंच करके आ गई हूँ अभी, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर शाम को सिलाने बैठेंगे। ये रहा हमारा मशीन और ये है मोटर, करंट से चलाती हूँ। ये रहा प्लग, ये स्विच दे दो तो मोटर से मशीन चलता है, तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। ये देखिए शाम के टाइम ये एकदम सूख के पूरा एकदम चकचका हो गया है, तो इसको मैं अभी छोटा सा जो फूल है उसका कली खिला रही हूँ। और ये पत्ता गोभी मैं दे रही थी इसको, ये खाया नहीं है तो मैंने फेंक दिया है अभी। ये देखिए मेरे को, मैं शूट कर रही हूँ ना वीडियो, ये घूर रहा है मेरे को। ये देखो ये कितना आराम से खा रही है, एकदम साफ़ सुथरा हो गई है, बहुत खेला इसने, खेल कूद के अभी फ्री हो गई है। तो मैंने सोचा कि बाहर लेके आते इसको शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर को घर पे ही था, तो अभी शाम के 5:30 बज रहे, तो ये आराम से खेल रही थी बाहर। ये पता नहीं बार बार भागने की कोशिश कर रही है, इसका पेट भर गया है शायद, इसीलिए ये बार बार यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहा है, पता नहीं भागने की कोशिश कर रहा था बार बार। तो रात को 9:30 बज गया है और डिनर बन रहा है। ये रहा खिचड़ी, जो मसूर दाल है उसका और ऑनियन भी डाल के खिचड़ी बना रहे मम्मी। तो और साइड में मैं फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ कॉर्नफ्लावर से, थोड़ा सा आलू को बॉईल कर लिया था मैंने पहले। तो ये देखो मेरा फ्रेंच फ्राई रात का डिनर के लिए बन रहा था, और कुछ फ्राई करके मैंने ये इधर भी रख दिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसमें हमने मसाला ऐड किया, नमक थोड़ा सा मसाला ऐड करके, फिर रात को हमने लंच वगैरह कर लिया था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था। तो आज का व्लॉग में इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।